हेलो, नमस्कार दोस्तों। दोस्तों ये मॉडल है यामा का है, ये कीबोर्ड है, ये यामा कंपनी का और i425 ये मॉडल है। और इसमें किस तरीके से टोन बनती है एक बार दिखाएं। ये हमारे भैया हैं इधर, ये चौहान जी, ये कीबोर्ड है। सुभाष चौहान जी। ये कीबोर्ड इतना सुंदर कीबोर्ड है कि इसको जब भी बजाया जाता है तो आनंद ही आनंद आता है। पर यह है कि रोलेंड का तो अलग होता है, लेकिन यमहा इसके अंदर स्पीकर लगा करके बनाती है। अगर साउंड विदाउट सिस्टम नहीं है तो स्पीकर से ही आदमी काम चला लेता है, चौकी कीर्तन कर देता है। ये बहुत सुंदर कीबोर्ड है। बहुत धन्यवाद। और ये हमारे भैया हैं राजेश हमसफर जी, जिन्होंने इस कीबोर्ड को ख़रीदा है। और ये चौहान जी ने ये कीबोर्ड भैया को दिया है। अभी बिल्कुल ये देख रहे हैं इसकी कंडीशन, बिल्कुल न्यू कंडीशन ये कीबोर्ड है। और दोस्तों अगर आप भी लेना चाहते हो तो बहुत अच्छा ये मॉडल है, और आप लाइव प्रोग्राम भी इससे कर सकते हैं अगर आपका बजट कम है तो। अगर आपका बजट की कोई टेंशन नहीं है तो फिर तो आप कोई सा भी कीबोर्ड ले सकते हैं। तो भैया आप कुछ कहना चाहेंगे इस कीबोर्ड के मामले में? बिल्कुल कहना चाहूँगा, सस्ते बजट में अच्छा काम करने वाला ये कीबोर्ड है और मुझे तो काफ़ी अच्छा लगा है। और ऐसा नहीं कि लोग कहते हैं कि कीर्तन भजन सुंदरकांड ही कर सकते हैं, इससे लाइव भी प्रोग्राम हो सकता है और अच्छी तरीके से। सिर्फ बजाने का तरीका अच्छा होना चाहिए। बिल्कुल, एक बार मैं चाहूँगा कि भैया इसको बजा के दिखाएंगे आपको। और अभी भैया ने क्योंकि कीबोर्ड ये नया लिया है तो अभी थोड़े फंक्शन इन्हें अभी उतना आइडिया नहीं है इसका, तो ये भैया एक बार देखो बजा के। तो भैया कैसी लगी ये टोन आपको? हमें तो अच्छी लगी है। दोस्तों जब भी कोई कीबोर्ड मार्केट में आता है तो कंपनी उस कीबोर्ड को डेमो पीस देती है, और जो भी टोन वगैरह होती है वो सब कुछ एवरीथिंग बनाना पड़ता है। यहाँ देख रहे हैं इसमें नंबरिंग सिस्टम है, और ये इधर देख रहे हैं आप वॉइस स्टाइल सॉन्ग अरेंजर और सॉन्ग, ठीक है। इधर का जो पैनल है इसमें मैक्सिमम सब टोन से रिलेटेड है, ये वाला सारा पैनल। इसके अंदर जो बैंक मेमोरी है ये इसका बैंक है 1 और 2, यानी इसके अंदर 8 बैंक हैं और 8 बैंक में आप 16 टोन इसके अंदर सेव कर सकते हैं, ठीक है। ये इधर आप देख रहे हैं तो ये सॉन्ग मेमोरी के इसके बटन हैं सभी, और स्क्रीन ब्लू कलर में आती है इसकी। ये इसका कैटेगरी का पैनल है, ये देख रहे हैं आप बटन इसके। और ये एक तरीके का इसका कर्सर है, और ब्लैक इसकी स्क्रीन है। और इधर का ये जो पैनल है ये सारा आपका ड्यूअल स्प्लिट हार्मनी टच फंक्शन, बहुत सारा म्यूजिक डाटाबेस वगैरह बहुत सारी चीज़ें इसके अंदर, मेट्रोनोम वगैरह। और इधर ये देख रहे हैं ये सभी इसके बारे में जानते ही हैं कि ये रिदम को प्ले करने के लिए ये उसको सिंक पर ऑन कैसे करना है, इंट्रो क्या देना है, उसका फिलअप कैसे करना है उसको, ये सारे ये काम करते हैं। और ये जो नॉव हैं दोस्तों, ये कट ऑफ रेजोनेंस रिवर्ब ये उसके लिए हैं। लाइव प्रोग्राम में आप इससे, अगर आपके पास कोई टोन बनी हुई नहीं है तो उससे आप इस दोनों नॉव से इनसे आप अपना काम कर सकते हैं। इधर ये इफ़ेक्ट फिल्टर और ये असाइनमेंट का इसका बटन, और ये बहुत सुंदर सा इसके अंदर एक पिच बेंडर है। कुल मिला के बहुत अच्छा कीबोर्ड है कम रेंज में ये। तो एक बार हम देखते हैं कि इसकी टोन जो हमने बनाई है इसके अंदर वो किस तरीके की है। जैसे ये पहली टोन
ये स्ट्रिंग की इसकी टोन है। दूसरी ये टोन देख रहे हैं आप, ये ट्रम्पेट की टोन है। ठीक है, बैंक टू में हम देखेंगे। ये ब्रास की टोन है, ये देखिए आप, ब्रास सेक्शन के नाम से ये बनाई हुई टोन है। नेक्स्ट जो टोन है वो इसकी हारमोनियम टू के नाम से हमने बनाई है। बैंक थ्री में हम देखेंगे तो बैंक थ्री में हमारा ये ओवे की टोन है। ठीक है, नेक्स्ट हम देखेंगे तो हमारी टोन है ये फार्गो, यानी लीड है ये। इस टाइप की लीड है। और नेक्स्ट हम देखेंगे तो बैंक फोर में हमारे ये अकॉर्डियन की टोन है ये। अकॉर्डियन और मस्टी आप इसको बजा सकते हैं। नेक्स्ट टोन है इसकी दोस्तों फ्लूट। और ये सब बनाई हुई टोन है दोस्तों। और नेक्स्ट हम देखें तो फ्लूट हमने देख लिया, ये फाइव नंबर बैंक में हम देखेंगे ये दूसरा हारमोनियम है, हारमोनियम टू बनाया हमने। अगर आपको चहकता हुआ हारमोनियम चाहिए तो ये बहुत अच्छा हारमोनियम होगा। और बाकी तो साउंड पर एक बार चेक करने पर सारी चीज़ें होंगी, बट स्पीकर से भी बहुत अच्छा साउंड इसका आ रहा है। और दूसरी टोन है तो ये हमारी गिटार की टोन, ये हमारा कॉर्ड गिटार है। तो दोस्तों ये सभी टोन हमने इसके अंदर क्रिएट किए हैं। तो मैं आपको एक कप टोन का रिव्यू इसका दे देता हूँ किस तरीके से बनानी है। मैं कोई भी देख लेता हूँ कोई किस टोन का मैं रिव्यू आपको दूँ। चलिए मैं आपको जो कॉर्ड गिटार बजा रहे थे हम, मैं उसी का रिव्यू दे देता हूँ आपको। हाँ, एक वाइब्राफोन भी इसके अंदर हमने बनाया है। तो मैं कॉर्ड गिटार का ही आपको दे देता हूँ रिव्यू। देख रहे हैं दोस्तों, अब इस टोन को हमने किस तरीके से बनाया है एक बार मैं आपको दिखा देता हूँ। इधर सबसे पहले हम जाएंगे इसकी वॉइस पर। वॉइस इसके अंदर हमने ये फोल्क गिटार 003 नंबर का ये हमने फोल्क गिटार इसके अंदर फर्स्ट टोन लिए। और दूसरी टोन हमने इसके अंदर कौन सी ली है मैं आपको दिखा देता हूँ। ड्यूअल वॉइस हमने इसके अंदर क्लैश गिटार लिया है, जो दूसरी टोन है क्लैश गिटार के लिए। फिर हमने क्या काम किया है इसके अंदर, हम कैटेगरी बजाएंगे। मास्टर रेजोनेंस 70 रखा है मैंने इसका। मास्टर कट ऑफ 127 है। मास्टर रिलीज 80। मास्टर अटैक 64। मास्टर कोरस 40। मास्टर रिवर्ब 45 रखा है मैंने इसको। मास्टर पैन 64। मास्टर ऑक्टेव -1 रखा है मैंने इसका। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखना है इसका विशेष, अगर आपको ये टोन बनानी है तो। मास्टर वॉल्यूम 127, ये फुल रेंज रखी है मैंने इसकी। टच सेंस मीडियम 2 रखा है मैंने।
स्प्लिट पॉइंट वो आप अपने अकॉर्डिंग कुछ भी रख सकते हैं। जैसे भैया ने उन्हें यहाँ तक केवल कॉर्ड के लिए चाहिए था सेक्शन, और बाकी इधर सारा फिर आपका गिटार स्टार्ट हो जाता है। तो इधर मैंने सेक्शन जो दिया है वो केवल कॉर्ड का दिया है, तो इसको आप कम ज़्यादा कर सकते हैं। ठीक है, कम ज़्यादा करने के लिए प्लस माइनस से आप इसको अप डाउन कर सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं हम क्या है इसके अंदर। पीवी रेंज, ये 10 रखा है मैंने। 10 का जो पीवी रेंज होता है बहुत सही होता है सभी कीबोर्ड के लिए। ट्यूनिंग इसकी ज़रूरत नहीं है हमें, ट्रांसपोज की भी ज़रूरत नहीं है, सॉन्ग वॉल्यूम इसकी भी ज़रूरत नहीं है हमें। स्टाइल वॉल्यूम 127 रखा है, जो भी हम रिदम बजाएंगे वो फुल वॉल्यूम के साथ में लेवल के साथ में बजेगी। और डी कैंसल ऑफ है इसका, ग्रेड ऑन रखना है आपको कीबोर्ड का। मेट्रोनॉम का वॉल्यूम 110 है। मेट्रोनॉम अगर आप यूज़ करते हैं, बजाते हैं, कुछ सीखते हैं, तो आप अपने अकॉर्डिंग उसको कम ज़्यादा कर सकते हैं। टाइम सही नहीं, मैंने इसका डी का 4 रखा है। टाइम है वो टाइम साइन एन, वो भी 0-4 रखा है मैंने, इसको छेड़छाड़ नहीं करी है। इनिट्स एंड सॉन्ग आउट, इन सब स्टाइल आउट ये ऑफ किया हुआ है हमने, तो इसको ऑन कर देता हूँ स्टाइल आउट का। और नेक्स्ट क्या है हमारा, कीबोर्ड आउट, इसको ऑन रखना है आपने। अगर ये ऑफ होगा तो आपका कीबोर्ड क्लॉक ऑफ है। लोकल ये ऑन रखना है, अगर ये ऑन नहीं होगा तो आपका कीबोर्ड दूसरे मोड पर चला जाएगा। ठीक है, इससे छेड़छाड़ नहीं करनी है। पीसी मोड ऑफ है इसका। एसएफएफ लोड नो, उसमें अभी कोई हमने फाइल लोड नहीं की है तो इसका कोई मतलब नहीं है। यहाँ एआरपी वेलोसिटी इन सब का भी हमारे साथ कोई मतलब नहीं है। हाँ, वॉल्यूम भी है सब। मास्टर इक्वलाइजर स्पीकर 2 रखा है मैंने इसका। कोरस दोस्तों इसका कोरस है, कोरस पर मैंने कोरस 2 रखा है। रिवर्ब हॉल 3 रखा है मैंने इसका। स्प्लिट का कोरस 65 रखा है मैंने। स्प्लिट का रिवर्ब 30 रखा है। पेन 64 रखा है। स्प्लिट का ऑक्टेव प्लस 1 रखा है मैंने। स्प्लिट का वॉल्यूम 60 रखा है मैंने, जितना कॉर्ड के लिए हमें चाहिए। कम ज़्यादा कर सकते हैं आप अपनी चॉइस के अनुसार। स्प्लिट की वॉइस मैंने स्टिंग रखी है इसमें। ड्यूअल का जो रेजोनेंस है वो मैंने 64 रखा है। ड्यूअल कट ऑफ है 64 रखा है उसको भी। ड्यूअल का जो रिलीज है उसको 80 रखा है। ड्यूअल का अटैक 64। ड्यूअल का कोरस है वो मैंने 00 रखा है। ड्यूअल का रिवर्ब है 64 रखा है। ड्यूअल का पेन है वो भी 64 है। ड्यूअल का ऑक्टेव है वो -1 है। ड्यूअल का वॉल्यूम 75 रखा है मैंने, जो सेकंड टोन है उसको, बहुत ज़्यादा उसके वॉल्यूम की हमें ज़रूरत नहीं है। ड्यूअल की वॉइस मैंने आपको बता दिया, क्लास गिटार रखा था मैंने जो दूसरी टोन रखी थी। मास्टर रेजोनेंस 70 है। मास्टर कट ऑफ 127 है। मास्टर रिलीज 80 है। मास्टर अटैक 64। मास्टर कोरस 40। मास्टर रिवर्ब 45। ये सारी चीज़ें इसमें मैंने रखी है। ये मैंने सारी चीज़ें आपको पहले ही दिखा दी थी। ठीक है दोस्तों, उसके बाद में हमें क्या काम करना है, फिर उस टोन को हमें सेव करना होता है। अब सेव कैसे करेंगे हम, हमने बैंक को प्रेस करना है और नंबर 1 या नंबर 2 जिस पे भी हमने, जिस बैंक में हमारी जगह खाली हो उस बैंक में ले जाके हमें नंबर 1 या नंबर 2 पर जहाँ भी हमें सेव करना है वहाँ आप उसको प्रेस कर दीजिए। जैसा आपने मेरी पिछली वीडियो में देखे होंगे रोलैंड कीबोर्ड में अभी मैंने बताया था, उसी तरीके से इसको भी सेव करना है। ठीक है दोस्तों, अगर वीडियो आपको पसंद आती है तो आप लाइक करिए, कमेंट करिए और शेयर करिए वीडियो को। थैंक यू।